उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। आनंदित किया मुझे मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। सब लोग गाइए। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया मुझे, आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना ही शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा, पर तेरी के नाम से, यीशु के खून से मिलती है हमको जय। यीशु के नाम से, यीशु के खून से शैतान को भागता है। जब हम यीशु के नाम से लड़ते, तब कौन सामना कर सकता। यीशु के शक्तिशाली नाम से मिलती है हम, यीशु के नाम से, यीशु ही के नाम से, यीशु ही के खून से मिलती है हमको जय। यीशु ही के नाम से, यीशु ही के खून से शैतान तो भागता है। ओ जब हम यीशु के नाम से लड़ते, तब कौन सामना कर सकता। वो यीशु के शक्ति शाली नाम से है हमको जय। बोलो जय जय, कुदरत भी है यीशु के लहू में। बोलो जय, बोलो जय जय, कुदरत भी है यीशु के लहू में। जय बोलो जय, बोलो जय जय, कुदरत भी है यीशु के लहू में। बोलो जय जय, ताली बजाए उसकी महिमा करें। हालेलुया, जोर ताली बजाए। उसके लहू में शक्ति है, उसके लहू में सामर्थ है। हालेलुया, और वो लहू हमारे लिए आज की सुबह उपलब्ध है। हालेलुया, इसलिए उस लहू की जय करेंगे, उसके नाम पूछ उठाएंगे, कहेंगे रक्तम जयम। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, बोलो है ना। रक्तम जयम हो, रक्तम जयम हो, रक्तम जयम, 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 रक्त
बोलो है ना हाँ रक्तम जयम 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 हो रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम ताली बजा के उसकी महिमा करें हालेलुया मेरा आनंद यीशु ही है सब मिलके गाएंगे कहेंगे मेरा आनंद यीशु ही है मेरा आनंद यीशु ही है मेरा आनंद यीशु ही है बोलो है ना हाँ रक्तम जयम ओ रक्तम जयम 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 हो रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम बोली यीशु मसीह की यीशु मसीह की यीशु के लहू की यीशु के लहू की अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे उसकी महिमा में वादर के योग्य है महिमा के योग्य परमेश्वर आइए पूरे हृदय से उसकी स्तुति करें उसकी प्रशंसा करें हालेलुया उसके नाम को ऊंचे पर उठाएं और इस बात को कहें तेरी स्तुति करता हूं मैं स्तुति करता हूँ मैं हृदय समर्पण करता हूँ मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ मैं हृदय समर्पण करता हूँ मैं तुझ ही से आती है मेरी हर सांस तू ही है मेरा सृजनहार तुझ ही से आती है मेरी हर सांस तू ही है मेरा सृजनहार गीत गाता हूँ मैं तेरे लिए हाथ एक बार फिर से इस बात को कहेंगे तेरी स्तुति करता हूँ मैं हृदय समर्पण करता हूँ मैं तुझ ही से आती है मेरी हर सांस तू ही है मेरा सृजनहार गीत गाता जीवन तू ही है जीवन ज्योति
और द्वार, तू ही है जीवन ज्योति और द्वार। हे स्वर्ग पिता को धन्य स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता ओ धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण
सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अब तेरा पर तू हमको चलाना, सारे सृष्टि को तेरा सहारा, ओ यीशु हालेलुया, अपनी राह पर हमें चला यीशु, उसे नाम के यहोवा, तेरे नाम को ऊंचे पर उठाते परमेश्वर, तुझे महिमा देते हैं आज की सुबह, क्योंकि तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है। और पिता, इस बात को हम जानते हैं यीशु कि तूने हमें इसलिए सृजा है कि हम तेरी आराधना कर सके, तेरे नाम को ऊंचे पर उठा सके, वो नाम जो सब नामों में ऊंचा है, वो नाम जो स्वर्गीय स्थानों में ऊंचा है, उस नाम को हम ऊंचे पर उठाने सके, जबकि हमारे हाथ स्वर्ग की ओर उठे हुए हैं, आइए उस नाम को ऊंचे पर उठाएं और इस बात को कहें,
Last Sunday I started a message. बीते रविवार को मैंने एक संदेश को शुरू किया था. Because of the limitation on time, I could finish only the first point. और समय कम होने के कारण मैंने सिर्फ पहले बिंदु को. So we shall turn to the gospel, to the gospel according to Saint Matthew. और आज हम फिर से खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार. Chapter 16, verses 16 to 19. इसका 16 अध्याय, 16 पद से 19 पद तक. And we shall read it in Hindi and listen very carefully. And you open your Bible and follow in your own Bibles. और आप अपने बाइबल को खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 16 पद से 19 पद तक. And I want to say to all of you that this is a Bible believing church. और मैं आप सब लोग से ये कहना चाहता हूँ कि ये कलीसिया बाइबल के ऊपर विश्वास करने वाला एक कलीसिया है. And we believe in the entire Bible from Genesis to Revelation. और ये पूरे बाइबल उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हम पूरे बाइबल पर विश्वास करते हैं. We also believe in bringing a printed Bible. और हम ये भी विश्वास करते हैं कि हम जब कलीसिया में आते हैं तो ऐसे जो छपा हुआ बाइबल है हम उसको लेकर आए. Not the cell phone Bible. सेल फोन पर जो बाइबल है वो नहीं. Because in the cell phone is not your Bible. Cell phone. क्योंकि सेल फोन जो है वो बाइबल नहीं है. In cell phone there is Bible also. सेल फोन में बाइबल ऐप हो सकता है. बाइबल इज केप्ट इन बिटवीन ऑल द डर्टी एंड फिल्थी. और जितने भी बाकी दूसरे ऐप है उसके बीच में बाइबल भी घुसेड़ दिया है. सो दैट इज व्हाई आई इंसिस्ट ऑन यू ब्रिंगिंग. और इसलिए मैं जोर देता हूँ कि आप बाइबल में नहीं, वो मोबाइल पे नहीं, लेकिन ये छपा हुआ बाइबल आप जरूर लाएं. एंड सेल फोन बाइबल इज कन्वीनियंट. और मोबाइल पे जो बाइबल है वो तो आराम की बात है. वन कन्वीनियंस इज दैट यू मे ओपन योर सेल फोन एंड ओनली गॉड सीज व्हाट यू आर एक्चुअली लुकिंग एट. और एक आराम की बात यही है, आप मोबाइल खोल सकते हैं और सिर्फ परमेश्वर जानेंगे कि आप उसमें क्या देख रहे हैं. यू कैन ओपन योर सेल फोन एंड इंस्टेड ऑफ बाइबल यू कैन सेंड लव मैसेजेस. और मोबाइल को खोल के बाइबल को खोलने के वजह आप दूसरे कुछ संदेश भेज सकते हैं. एंड रिसीव लव मैसेजेस. और संदेशों को प्राप्त कर सकते हैं. एंड प्रेम के संदेश. कीप ऑन वॉचिंग समथिंग एल्स. और कुछ और बातों को आप मोबाइल पे देखेंगे. एंड सो सेल फोन कैन बी यूज फॉर सो मेनी थिंग्स. सो सेल फोन बहुत से बातों के लिए, कामों के लिए यूज किया जा सकता है. सो आई एनकरेज यू मेक श्योर दैट एज मच एज पॉसिबल यू. सो मैं आप सब लोग को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप जरूर इस लिखित बाइबल, जो छपा हुआ बाइबल है, इसको जरूर लाएं इतवार. We Christians should never be ashamed of carrying. और हम मसीह लोगों को कभी भी लज्जाना नहीं चाहिए ये बाइबल हाथ में पकड़ने से. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. Can you read 16 to 19? मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 16 आयत से 19 आयत तक. यहाँ पर ऐसे लिखा है कि शिमोन पत्रस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है. यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना का पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है. और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्रस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊँगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे. मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा. आमेन. होली स्पिरिट यू आर आवर टीचर. पवित्र आत्मा आप हमारे शिक्षक हैं. वी टोटली डिपेंड ऑन यू फॉर अ रेवलेशन. हम पूर्ण रीति से आपके ऊपर निर्भर करते हैं एक प्रकाशन के लिए. ओपन आवर आईज ऑफ फेथ दैट वी मे सी द वंडर्स ऑफ योर. आप हमारे विश्वास के आंखों को खोल ताकि आपके अद्भुत बातों को हम देख पाए.
Thank you for hearing us. धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए. In Jesus name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. Amen. Amen. Last Sunday we saw that Peter received three revelations concerning Jesus Christ in this passage. पिछले रविवार को हमने देखा था इस भाग में कि पत्रस को यीशु मसीह के विषय में तीन बड़े प्रकाशन मिले थे. Number one was a revelation of his person. और सबसे पहले पत्रस को प्रकाशन ये मिला कि यीशु मसीह कौन है. And we have considered that last Sunday. और उसके व्यक्तित्व के बारे में और हमने इसके विषय में देखा था. When Peter confirms, "You are the Christ, the Son of the Living God." जब पत्रस ने अंगीकार किया कि तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र. We can never understand God or know God unless we are revealed. It is revealed to us. हम जीवित परमेश्वर को कभी जान नहीं पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे, जब तक कि हमें समझाया नहीं जाएगा. God can be known only by a revelation. और जब तक परमेश्वर हमें उसका एक प्रकाशन नहीं देगा. And thank God for such a revelation. And when the Holy Spirit, He is the revelator who reveals. और परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे प्रकाशन के लिए और पवित्र आत्मा के लिए जो हमें प्रकाशन देता है. So that spirit is in us. So वो आत्मा हमारे अंदर है. Those of you are born again. आप में से जितने लोगों ने नया जन्म पाया है. That born again experience itself is a ministry of the Holy Spirit. वो नया जन्म का अनुभव जो है वो पवित्र आत्मा का एक सेवकाई है. The Holy Spirit opens our ears to hear the message of salvation. पवित्र आत्मा हमारे कानों को खोलता है ताकि हम सुसमाचार को सुने. And as you listen, you are convicted of your sin. और जबकि हम उस वचन को सुनते हैं, हम अपने पापों के प्रति कायल हो जाते हैं. And that leads you into repentance. और उससे हमारी अगुवाई होती है एक मन फिराव की ओर, एक पश्चाताप की ओर. And repentance clear the way for Jesus to come into your life. और पश्चाताप करने से, मन फिराने से वो मार्ग खुल जाता है जिससे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं. That happens by the Holy Spirit. और ये कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है. So and all of you believers must listen to this carefully because this is what happened. This is the work of the Holy Spirit without which none of us can be saved. और सारे विश्वासी इसको बड़े ध्यान से सुनिए क्योंकि ये पवित्र आत्मा का एक कार्य है और जिसके बगैर हम उद्धार नहीं पा सकते हैं. So thank God for the Holy Spirit. So परमेश्वर का धन्यवाद हो पवित्र आत्मा के लिए. Once we are born again, कि एक बार हमने नया जन्म को पा लिया है, we become new creation. हम नए सृष्टि बन जाते हैं. At that moment, और उसी क्षण, the Holy Spirit also comes into us. पवित्र आत्मा हमारे भीतर आ जाते हैं. That is why Apostle Paul says. और इसी कारण से पौलुस प्रेरित कहते हैं. Know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you? क्या तुम ये नहीं जानते हो कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हारे अंदर वास करता है. That is why we Bible believing Christians are very particular about how you must maintain and keep your body. और इसी कारण से बाइबल पर विश्वास करने वाले जो विश्वासी हैं, हम बहुत ध्यान देते हैं कि हम किस तरह अपने देह को रखते हैं. Our bodies are not to be exposed to the world. हमारा देह जो है हमें इसको खुल्लम खुल्ला दिखाना नहीं है संसार के लिए. Like the celebrities do. और जैसे कि जो celebrities करते हैं. Because nothing clean lives within them. क्योंकि उनके भीतर कोई भी शुद्ध बात नहीं है. And so they don't mind exposing their body. So वो लोग को चिंता नहीं है कि वो अपने देह को दिखाए या नहीं. And they have new fashions. और नए नए फैशन वो करते हैं. When you follow those fashions. और जब आप उन फैशन के पीछे जाएंगे. 75 parts of your bodies are exposed. आपके देह के 50 या 75 प्रतिशत आपका देह दिखता है. Your body is not a display in thing for the world to see. और आपका देह या आपका शरीर ऐसा कोई बात नहीं है पूरे संसार को देखने के लिए. Your body is a temple. क्योंकि आपका देह जो है एक मंदिर है. In which the holy God lives. जिसके अंदर पवित्र
परमेश्वर वास करते हैं. How the Holy Spirit comes into your body? और ये पवित्र आत्मा आपके देह के अंदर कैसे आते हैं? By that experience of new birth. वो नया जन्म के अनुभव के द्वारा. You became a new creation. आप एक नई सृष्टि बन जाते हैं. All the unclean things have gone out. सारे अशुद्ध बातें जो है हमारे देह से निकल जाते हैं. You are made like a newborn child. आप एक नए शिशु के समान आप हो जाते हैं. And that is why. और इसी कारण से द होली स्पिरिट नाउ कम्स इन योर बॉडी. पवित्र आत्मा आपके देह के अंदर आ जाते हैं. मेक्स योर बॉडी हिज ड्वेलिंग प्लेस. और इसके द्वारा आपका शरीर जो है वो परमेश्वर का निवास स्थान बन जाता है. बॉडी मस्ट बी केप्ट होली. और इसी कारण से आपके शरीर को शुद्ध रखना है. यू शुड नॉट यूज योर बॉडी फॉर एनीथिंग दैट विल डिफाइल द टेम्पल ऑफ गॉड. और इसी कारण से आपको अपने शरीर को योग नहीं करना है किसी भी बात के लिए जो परमेश्वर के सामने अशुद्ध हो जाता है. It is not for prostitution. और ये किसी वैश्य कार्य के लिए नहीं होना है. It is not to be given to someone else to misuse and enjoy your body. और किसी और के हाथों में नहीं देना चाहिए कि वो आपका गलत उपयोग करे. Sex is a wonderful, miraculous thing God has given each one of us. Sex जो है वो एक बहुत अद्भुत सुंदर बात है जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है. He also has given us instructions how we can enjoy male and female relationship. और परमेश्वर ने हमें निर्देश भी दिए हैं कि पुरुष और स्त्री कैसे उस बंधन को में जुड़ सकते हैं. Within the framework of marriage, और एक विवाह के उस सीमा में, you become husband and wife. जब आप पति और पत्नी बन जाते हैं, and within that framework, और उसी के सीमा में, you are allowed to enjoy the sexual life. आपको अनुमति है कि आप सेक्स का आनंद उठाएं. Not outside of marriage. और विवाह के बाहर ये नहीं होना चाहिए. We all must understand. हम सबको ये बात समझना है. I am mentioning this because these days young people are thinking, अरे it is there to enjoy, let us enjoy. और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि आजकल के जमाने में ये जवानों के बीच में ये आम बात हो गया है कि ये आनंद उठाना चाहिए. It is not for you to enjoy. ये आपके लिए आनंद उठाने के लिए नहीं है. That is why God has instituted marriage is the first family is the first human institution God Himself has started. और इसी कारण से जो परिवार है वो पहला ऐसा एक संस्था है जो परमेश्वर ने स्वयं उसे नियुक्त किया है. एंड व्हेन यू यूज योर बॉडी फॉर समवन हु इज नॉट योर हस्बैंड. और जब आप अपने शरीर को एक ऐसे पुरुष को दे देंगे जो आपका पति नहीं है. यू आर डिफाइलिंग योर टेम्पल ऑफ गॉड. आप परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध कर रहे हैं. एंड ही हु डिस्ट्रॉयज द टेम्पल ऑफ गॉड, गॉड विल डिस्ट्रॉय. और वो जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करता है परमेश्वर उसे नाश करेगा. See, nothing happens suddenly. देखिए अचानक कोई भी बात नहीं होता है. God is patient. परमेश्वर बहुत धीरजमंद है. And even after understanding this truth, और ये सत्य समझने के बाद भी, and then you continue with this, जब आप लगातार उस कार्य को करते रहेंगे, there comes a point in your life you will regret, but it will be too late. आप निश्चय करें कि आपके जीवन में एक ऐसे समय आएगा कि आप जरूर पछताएंगे लेकिन आपके लिए बहुत देर हो चुका होगा. So young boys and girls, और इसलिए जवान लड़के और लड़कियां, if you are serious about your Christian life, अगर आप अपने मसीह जीवन के प्रति आप गंभीर हैं, God's law, परमेश्वर का व्यवस्था, is your constitution, वही आपका संविधान है. And if the worldly government punishes the guilty, how much more a holy God will cause his judgment to come upon anyone who disobey his revealed plan. और अगर कोई भी सांसारिक सरकार जो है दोषी को दंड देता है तो कितना और बढ़कर ये जीवित परमेश्वर उसे दंड देगा जो उसके व्यवस्था को तोड़ता है. गॉड एंड ऑल्सो मैरिज. और विवाह के संबंध में, मैरिज इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. विवाह जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. यू नो वी लिव टुगेदर फॉर एज लॉन्ग एज
we enjoy. कि जब तक हम आनंद उठा रहे हैं तब तक हम साथ में जिएंगे. And if we stop enjoying each other, we leave. और जिस दिन वो आनंद चला जाए तो हम एक दूसरे को छोड़ देंगे. And in between, you create any number of children. और इसके बीच में जितने बच्चे पैदा हो गए. These are all sin. ये सब पाप है. And don't indulge yourself in these sinful kind of things. और अपने आप को ऐसे पापी क्रियाओं में आप अपने आप को ना लगाएं. Remember what your body is as a Christian. याद रखें एक मसीह होने के नाते आपका शरीर क्या है. Holy Spirit cannot dwell in unholy vessel. पवित्र आत्मा जो है वो किसी अशुद्ध या अपवित्र पात्र में नहीं रह सकता है. He can live only in a clean vessel. वो सिर्फ एक शुद्ध एक साफ पात्र में रहेगा. You are clean by the blood of Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से आप शुद्ध किए गए हैं. And as you daily read and meditate and obey the Bible. और प्रतिदिन जब आप इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं उसका अध्ययन करते हैं उस पर मनन करते हैं. You are also clean by the word of God. आप पवित्र शास्त्र से भी आप शुद्ध हो जाते हैं. See, such people can enjoy all the promises of God. और ऐसे ही लोग परमेश्वर के सारे प्रतिज्ञाओं का आनंद उठा सकते हैं. Why some people suffer some chronic diseases? और क्यों ऐसे होता है कि कुछ लोग का जो बीमारी जो रोग रहता है वो हमेशा रहता है? Because we are disobeying God. क्योंकि वो परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं. There are sins. Every sickness, every diseases are not the result of sin. देखिए हर एक जो बीमारी है हर एक जो रोग है वो पाप का परिणाम नहीं होता है. Some sicknesses is there for us to experience the revelation of the power of God or to experience the works of the power of God in your life. कुछ बीमारी या रोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं ताकि परमेश्वर का जो सामर्थ है परमेश्वर का जो कार्य है उसका एक बड़ा प्रकाशन हो. But there are many sicknesses. लेकिन बहुत लोगों को ऐसे बीमारी या रोग हो जाता है. It can be the same sickness. वो वही बीमारी हो सकता है. But some people suffer because of sin. लेकिन कुछ लोग उससे ग्रसित होते हैं पाप के कारण. That sickness need not to be in your body. और जरूरी नहीं है वो बीमारी आपके शरीर में हो. But it got into your body. लेकिन वो आपके शरीर में घुस गया. Because of sin. पाप के कारण. That we need to understand. ये बात हमें समझने की आवश्यकता है. And so sex is not something for you to play with. So यौन संबंध जो है वो हमारे खिलवाड़ के लिए नहीं है. Sex is to be enjoyed by husband and wife. ये एक ऐसी बात है जो पति और पत्नी उसका आनंद उठा सके. Marriage is not a contract. क्योंकि विवाह जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. Then what is it? तो फिर ये क्या है? It is a covenant. ये एक वाचा है. Covenant for life. और जीवन भर के लिए ये एक वाचा है. And as Christians, और मसीह होने के नाते यू cannot break the covenant. हम एक वाचा को तोड़ नहीं सकते हैं. That becomes a greater sin. ये एक सबसे बड़ा एक पाप होगा. So husbands and wives stand in the presence of God and before the minister of the word and give their promises to each other. So पुरुष और स्त्री जो है वो परमेश्वर के सामने परमेश्वर के दास के सामने खड़े होकर एक दूसरे को अपने प्रतिज्ञा या वाचा को देते हैं. And after one year, they forget what they promised. लेकिन एक वर्ष के बाद वो भूल जाते हैं कि क्या प्रतिज्ञा किया था. They start fighting. वे लड़ने लगते हैं. They start abusing each other. एक दूसरे को गाली देने लगते हैं. And then they suffer. और फिर दुख उठाते हैं. And then they blame God. और फिर वो परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं. And when they suffer, they come to church. और जब वो दुख उठाते हैं तब वो कलीसिया में आते हैं कि पासवान आप मेरे लिए प्रार्थना करें. क्या हो गया है? A wife doesn't listen. मेरी पत्नी मेरी सुन नहीं रहा. Husband is abusing me. और पति जो है वो गाली दे रहा है. Why? क्यों? Our prayers are not going to help. हमारे प्रार्थनाएं जो है आपको मदद नहीं करेगा. Because on the day of your wedding, क्योंकि आपके विवाह के दिन. Why we preach from God's word? क्यों हम परमेश्वर के वचन से प्रचार करते हैं? For you to understand how God wants you to live. ताकि आप समझ लो कि आप कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करना है. It is all explained. ये सब आपको समझाया जाता है.
But in spite of all that, लेकिन इन सब के बावजूद, you go and live your own life. आप जाकर अपने ही जीवन को जीते हैं. Don't come after that fighting and all and asking us to pray. उसके बाद लड़ झगड़ते और रोते में हमारे पास ना आए. Prayer will not answer. क्योंकि प्रार्थना से कोई उत्तर नहीं मिलेगा. Because God has revealed to you. क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही आपको प्रकट कर लिया है. You obey God. आप परमेश्वर के आज्ञाओं को माने and enjoy life. और जीवन का आनंद उठाए. That is God's word. यही परमेश्वर का वचन है. Why is it important? और क्यों ये बहुत जरूरी है? Because now my body is the temple of the Holy Spirit. क्योंकि अब मेरा देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर हो चुका है. Hallelujah. Hallelujah. And the power of the Holy Spirit will be revealed in this body. और पवित्र आत्मा का ताकत इस शरीर में प्रकट होगा. We are the church. हम कलीसिया है. And the church is the body. और कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह है. And no part of the body of Jesus can be defiled. और कोई भी यीशु मसीह का शरीर का कोई भी हिस्सा अशुद्ध नहीं रह सकता है. Today many churches suffer. आज बहुत से कलीसियाएं दुख उठाते हैं. The ministry is not effective. उनकी सेवकाई असरदार नहीं होता है. People are not getting saved. लोग जो है उद्धार नहीं पा रहे हैं. People are not getting baptized. लोग बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं. People are not being filled with the Holy Spirit. और लोग जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो रहे हैं. क्यों? Because the members of the church is defiling themselves and thus defiling the whole body. और क्योंकि कलीसिया के सदस्य जो है अपने आप को अशुद्ध कर रहे हैं और ऐसे करने से यीशु मसीह के देह को अशुद्ध कर रहे हैं. Don't do that. ऐसा ना करें. Your body as an individual believer is the temple of the Holy Spirit. क्योंकि आपका देह जो है एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर का मंदिर है. And Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा, He who defiled my temple, I will destroy. जो मेरे मंदिर को अशुद्ध बनाएगा उसे मैं बर्बाद कर दूंगा. God will not change. परमेश्वर बदलेगा नहीं. And don't take God for granted. और परमेश्वर को हल्के रूप से ना लें. Sin can be forgiven. क्योंकि पाप का क्षमा मिल सकता But है. There is no automatic forgiveness. लेकिन ऐसे ही अचानक आपको क्षमा नहीं मिलेगा. I committed sin. मैंने पाप किया. I cannot come to church and sit there comfortably or God has forgiven me. और ऐसे हम कलीसिया में आकर आराम से बैठकर ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने मेरे पाप को क्षमा कर दिया. No sin will be forgiven unless you repent and confess that sin. कोई भी पाप क्षमा नहीं किया जाएगा जब तक कि आप उस पश्चाताप ना करें और अपने मन को ना फिराएं. You don't merely feel sorry for what you have done. और ऐसे करने से आप न सिर्फ दुख उठाते हैं कि आपने जो किया है गलत किया है. That is not repentance. ये पश्चाताप नहीं है. Judas Iscariot also felt very sorry that he betrayed Jesus. यहूदा स्क्रूति को भी बहुत बुरा लगा कि उसने बहुत गलत किया यीशु मसीह के साथ. But where did he go? लेकिन उसका अंत कहां हुआ? He hung himself. वो उसने जाकर अपने आप को फांसी लगा दिया. While his body was burst open and all the intestine and all came out. और उसका शरीर जो है फट गया और अंदर के हिस्से सब बाहर निकल आए. But his soul went to hell. और उसका प्राण जो है वो नरक में चला Why? गया. क्यों? While he felt sorry, और जबकि उसको बहुत दुख था कि उसने गलत किया, he didn't repent. उसने पश्चाताप नहीं What किया. What is repentance? पश्चाताप क्या है? What is sorry? और दुख उठाना क्या sorry, है? Sorry, I am sorry. और कि मुझे बहुत खेद है. I am sorry that I did. मुझे बहुत खेद है कि मैंने ऐसे किया. And after 3 days you go out and do the same thing. और 3 दिन के बाद आप जाकर वही कार्य करते हैं. What is repentance? लेकिन पश्चाताप क्या है? Repentance is. पश्चाताप ये है. You are walking like this. आप ऐसे चल रहे हैं. Straight. सीधे चल रहे हैं. As you walk, if you look carefully, you will find. अगर आप चलेंगे ध्यान से देखेंगे नीचे आपको नोट मिले पैसा मिले. I don't know whose it is. Is it yours? No, is it yours? And this goes to the With the offering. Okay. You are going walking this way. आप ऐसे चल रहे हैं. And suddenly repentance is, I have committed a sin, and in that way of sin I am walking. और पश्चाताप क्या है कि जिस मार्ग में मैं चल रहा था मैंने पाप किया. I'm keep on committing sin. और पाप मैं करते जा रहा हूँ. Repentance is. और पश्चाताप ये है. I've been convicted of this sin. कि मैं इस पाप के प्रति कायल हो गया. And I turn around. और मैं वापस घूम जाता हूं. And I'm returning.
और मैं वापस लौट रहा हूं आई एम कन्विक्टेड ऑफ सिन मैं पाप के प्रति कायल हो चुका हूं एंड आई डोंट वांट टू वॉक इन दैट वे एनीमोर लेकिन अब मैं उस मार्ग पर आगे नहीं चलना चाहता हूं आई रिटर्न टू जीसस मैं वापस यीशु मसीह के पास आता हूं एंड ऑन माय नीज और अपने घुटने पर आ जाता हूं आई रिपेंट विद टीयर्स और आंसुओं के साथ मैं पश्चाताप करता हूं बिकॉज़ आई नॉट ओनली हर्ट मी मायसेल्फ क्योंकि न सिर्फ मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया है मोर देन दैट लेकिन से बढ़कर आई हैव हर्ट जीसस मैंने प्रभु यीशु मसीह को चोट पहुंचाया है आई हर्ट जीसस मैंने यीशु मसीह को चोट पहुंचाया है डाइड फॉर मी और यीशु मसीह ने अपने जान को दे दिया मेरे लिए शेड हिज ब्लड अपने लहू को बहाया मेरे खातिर नॉट बिकॉज़ ऑफ हिज सिन अपने पाप के खातिर नहीं He was sinless, क्योंकि यीशु मसीह पाप रहित थे But he came down for me. लेकिन यीशु मसीह संसार में मेरे खातिर आए Then he went to the cross. यीशु मसीह उस क्रूस पर गए His body was nailed to the cross. यीशु मसीह का शरीर को उस क्रूस पर कीलों से ठोका गया How many of you can watch the crucifixion of Jesus? आप में से कितने लोग उस चीज को देख सकते हैं किस प्रकार यीशु मसीह को कीलों से ठोका गया And explain the agony that Jesus went down. और जिस दर्द से यीशु मसीह गुजरे He died. यीशु मसीह मरे He shed his blood. अपने लहू को बहाया For what? किस लिए? To set me free from the power of sin. ताकि मैं पाप के ताकत से मैं छुड़ाया जाऊं And give me eternal life. और मुझे अनंत जीवन मिल जाए By giving me forgiveness. और मुझे क्षमा देने के द्वारा And he cleansed me. यीशु मसीह ने मुझे शुद्ध किया And he set me free from the power of sin. मुझे आजाद कर दिया पाप के ताकत से Then I started living this new life. और उसके बाद ये नया जीवन जीना शुरू किया joy. आनंद के साथ And I sing praises. और स्तुति के गीतों को गाते हुए I have the assurance of eternal life. अनंत जीवन का निश्चय मिल गया है I have joy and peace. आनंद और खुशी मेरे अंदर है Hallelujah. Hallelujah. Have you experienced that? क्या आपने इसका अनुभव किया है If you experience, lift up your hands. अगर आपने अनुभव किया अपने हाथों को उठाएं Thank you, Jesus, for कहे धन्यवाद यीशु आपके उद्धार के लिए Why for you forgave me? आपने मेरे पापों को क्षमा किया Then है you cleansed me. आपने मुझे शुद्ध किया है you remove the power of sin and destroy the power of sin in my life. पाप के ताकत को और पाप के सामर्थ को मेरे ऊपर आपने तोड़ दिया है Jesus, I thank you. यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं And you cry. और आप रोते हैं Because you hurt Jesus, क्योंकि आपने यीशु मसीह को चोट पहुंचाया who loved है, you so much, जिन्होंने आपसे इतना प्रेम किया For your sake, आपके खातिर He was nailed. यीशु को कीलों से ठोका He गया was crowned with the crown of thorns. उस कांटों के मुकुट से उसको सर पर डाला गया He was pierced. और उसको भाला भोका गया And he was flogged. और मारा गया The agony he went through. और जिस पीड़ा से वो गुजरे All for your sake. ये सब आपके खातिर Then I am sinning against him again. और फिर उसके बाद हम उसके प्रति पाप कर रहे हैं And we get, Lord, forgive me. और फिर हम आते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर Is that repentance? क्या यही पश्चाताप है You cry. आप रोते हैं You weep. आप रोते हैं Because it means the Bible says if you go back and sin again, you are crucifying the Son of God again. क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर बार बार हम जाकर पाप करते हैं तो फिर हम बार बार यीशु मसीह को उस क्रूस पर लटका देते हैं The Holy Spirit lives in you. पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है Every time temptation comes, जब कभी भी परीक्षाएं आपके सामने आए you must say no, आपको कहना चाहिए नहीं because the same grace brought salvation into you. क्योंकि वही अनुग्रह से हम उद्धार में आए हैं same grace is available to you to give you power to say no. वही अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध है जो आपको ताकत देगा कि आप ना कहे Boys and girls, लड़के और लड़कियां प्लीज लिव केयरफुली आप बहुत ध्यान से अपने जीवन को जिए नॉट अ प्लेथिंग आप किसी खिलवाड़ के चीज नहीं है यू मस्ट नो हु यू आर आपको जानना है कि आप कौन हैं यू आर अ प्रिंस आप एक राजकुमार हैं यू आर अ प्रिंसेस आप एक राजकुमारी हैं इन द साइट ऑफ गॉड परमेश्वर के दृष्टि में यू आर द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट आप परमेश्वर के दुल्हन हैं यू आर अ ब्राइड ऑफ क्राइस्ट आप यीशु मसीह के दुल्हन हैं अ होली ब्राइड एक पवित्र दुल्हन फॉर द
holy Christ. एक पवित्र मसीह के लिए. Hallelujah. Hallelujah. I belong to Him. मैं मसीह का हूँ. Amen. Amen. And as such. और जब ऐसे जब होता है. My body is not a plaything for somebody to play with. मेरा शरीर जो है कोई खिलवाड़ का चीज नहीं है कि दूसरे उसे गलत उपयोग करे. You understand? आप समझ गए? Live clean life. एक शुद्ध जीवन को जिए. That you may be able to stand before Jesus. ताकि जब आप यीशु मसीह के सामने आप खड़े हो पाएंगे. And when you sin, और जब आप पाप करते you must हैं, weep. आपको रोना है. You must have tears. आपके आंसू होने चाहिए. That is the sign of true repentance. और यही एक चिन्ह है सच्चा पश्चाताप का. My body is the temple of God. मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है. Hallelujah. Hallelujah. That is what it says. और यही बात कहता है. We have a revelation of Jesus Christ. हमें यीशु मसीह का एक प्रकाशन है. He is the Son of the Living God. वो जीवते परमेश्वर का पुत्र है. The second revelation is. और दूसरा प्रकाशन ये है. There is a revelation of His purpose. यीशु मसीह का उद्देश्य का एक प्रकाशन है. First there is a revelation of His person. सबसे पहले उसका व्यक्तित्व का एक प्रकाशन है. Second there is a revelation of His purpose. और दूसरा एक प्रकाशन है उसका उद्देश्य का. What was the purpose of Jesus for coming into the world? यीशु मसीह का उद्देश्य क्या था इस संसार में आने के लिए? Why did He come? यीशु मसीह क्यों आए? His purpose in short is this. और संक्षेप में उसका उद्देश्य यही है. That he is going to build a church. कि यीशु मसीह अपने कलीसिया को बना रहा है. He spoke to Peter again. यीशु ने पत्रस से फिर से कहा. It is my Father in heaven who revealed to you who I am. ये मेरे पिता है जो स्वर्ग में है जिन्होंने तुम पर प्रकट किया कि मैं कौन हूँ. And then Jesus said. फिर यीशु ने कहा. Upon this confession of yours, I will build my church. और ये तुम्हारे अंगीकार के ऊपर मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा. That is the purpose of the coming of Jesus. यही यीशु मसीह का आने का उद्देश्य था. He wants to build a church. यीशु मसीह एक कलीसिया को बनाना चाहता है. What is the church going to be? कलीसिया क्या होगा? The church is going to be His body. कलीसिया जो है वो यीशु मसीह का देह है. And the Bible says. और बाइबल कहती है. The church also is going to be His heavenly spiritual bride. और कलीसिया जो है वो यीशु मसीह का स्वर्गीय वो दुल्हन है. There is a church worldwide. एक कलीसिया है पूरे विश्व भर में. Its name is not Assemblies of God. और उस कलीसिया का नाम Assembly of God नहीं है. It is not Methodist or Methodism and वो Methodist Church नहीं है. Not CNI. CNI Church नहीं है. And not any independent. और कोई independent church नहीं है. No, not so many denomination, hundreds of denominations. और सैकड़ों ऐसे denominations हैं. These are not the church. ये कलीसिया नहीं है. There is only one church. सिर्फ एक ही कलीसिया है. Because Christ has only one body. क्योंकि यीशु का सिर्फ एक ही देह है. And this body is connected with the head, which is Jesus Christ. और ये देह जो है उस सर से जुड़ा है जो यीशु मसीह है. And just like the neck connects the body and the head. और जिस प्रकार ये गर्दन जो है देह को और सिर को जोड़ता है. In an inseparable relationship. और ऐसे एक रिश्ते में जो अलग नहीं किया जा सकता है. Hallelujah. Hallelujah. You are connected with Jesus. आप यीशु मसीह के संग जुड़े हुए हैं. You are the body of Jesus. आप यीशु मसीह के देह हैं. Just like a body has so many parts. और जिस प्रकार एक शरीर का बहुत से अंग हैं. There are hundreds of parts in the body. शरीर में बहुत से सैकड़ों ऐसे अंग हैं. One body. एक देह बट मेनी पार्ट्स लेकिन बहुत से इन द सेम वे और इसी प्रकार जीसस क्राइस्ट हैज वन बॉडी वन चर्च यीशु मसीह का एक देह है एक कलीसिया है. दिस चर्च इज फाउंड इन ऑल द डिनोमिनेशन. ये कलीसिया हर एक डिनोमिनेशन में पाया जाता है. पार्ट्स ऑफ द बॉडी और देह के जो अंग हैं. देयर आर इन मेथोडिस्ट आल्सो देयर आर बोर्न अगेन क्रिश्चियन. मेथोडिस्ट में भी नए जन्म पाए हुए विश्वासी हैं. आल्सो देयर आर बोर्न अगेन. सीएनआई में भी ऐसे सदस्य हैं. इन बैप्टिस्ट आल्सो देयर आर चिल्ड्रन. बैप्टिस्ट में भी ऐसे सदस्य हैं. बट नॉट ऑल द बैप्टिस्ट आर गोइंग टू गो टू हेवन. लेकिन सारे बैप्टिस्ट वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे. नॉट ऑल द पेंटिकॉस्टल्स आर गोइंग. सारे पेंटिकॉस्टल लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे. इवन आफ्टर जीसस केम एंड टेक्स द चर्च अवे. और यीशु मसीह जब आएंगे और कलीसिया उठाए जाएगा. If it happens during weekday,
और अगर ये हफ्ते के बीच में कहीं होगा, so many of us will be gone. हम में से बहुत लोग चले जाएंगे, but many of them will remain here. लेकिन बहुत लोग यहीं रह जाएंगे. They do not know what happened. वे नहीं जानेंगे कि हुआ क्या. So next Sunday also they will come. So अगले रविवार को वो लोग कलीसिया में आएंगे. They will sit here. वो यहाँ पर बैठेंगे, waiting for the pastor to इंतजार come. करेंगे पासवान कब आएगा, पास्टर सामी टू लीड द वर्शिप, और पास्टर सामी कब आएंगे गीतों में अगुवाई करने के और लिए, जूनियर और फेबी पास्टर फेबी सिटिंग देयर एंड बीटिंग द ड्रम, या मैं आकर ड्रम पर बैठूंगा बजाऊंगा, बट दे डोंट सी एनीबॉडी, लेकिन कोई दिखेगा नहीं, एंड देन समबडी विल कम दे स्टार्ट बीटिंग द ड्रम, और फिर कोई और आएगा वो ड्रम बजाने लगेगा. द चर्च इज टुडे इनविजिबल, कलीसिया जो है आज अदृश्य है. डोंट थिंक एवरीबडी हु कम्स टू चर्च विल गो टू हेवन, ये ना सोचे कि हर वो व्यक्ति जो कलीसिया में आता है वो स्वर्ग जाएगा. आर यू बोर्न अगेन, क्या आपने नया जन्म को पाया And है, then are you living a consistent holy life? और फिर उसके बाद क्या आप लगातार एक पवित्र जीवन को व्यतीत कर are रहे you हैं, reading the Bible? क्या आप बाइबल को पढ़ते हैं, are you obeying the Bible? क्या आप बाइबल के बातों को are मानते you living हैं a clean life? और एक शुद्ध जीवन को जी रहे हैं, good relationship with God and with one another. एक अच्छे संबंध में परमेश्वर के प्रति और एक दूसरे के प्रति. And are you serving Jesus? और क्या आप यीशु की सेवा कर रहे हैं? Telling, bringing others to Jesus. दूसरे लोगों को यीशु मसीह के पास ला रहे हैं. Are you serving him? क्या आप उसकी सेवा कर रहे हैं? Or just coming on Sundays and sitting here and warming the seat and then go? या सिर्फ रविवार के दिन यहाँ पर आते हैं, दो घंटे बैठकर कुर्सियों को गर्म करके आप बाहर चले जाते हैं? Are you witness for Jesus? क्या आप यीशु मसीह के लिए बन रहे हैं? यू आर रेडी टू बी गॉन व्हेन जीसस कम्स. आपको तैयार होना चाहिए कि आप चले जाए जब यीशु मसीह आएंगे. व्हाट इज चर्च? कलीसिया क्या है? चर्च इज हिज बॉडी. कलीसिया यीशु मसीह का देह है. चर्च इज हिज ब्राइड. यीशु मसीह का दुल्हन है. दीज फिगर्स ऑफ स्पीच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ योर रिलेशनशिप विद क्राइस्ट. और ये बातें इसलिए बताई गई हैं ताकि आपका जो रिश्ता है यीशु मसीह के संग उसको समझाया जाए. Body is used. देह को इस्तेमाल किया जाता है. Show to express and tell us and teach us the unity in the body of Jesus. ताकि हम समझने पाए कि यीशु मसीह के देह में वो एकता होना चाहिए. Just like every part of the body has to be united in order for that body to function properly. और जिस प्रकार एक शरीर के हर एक अंग को एक होना चाहिए और उस देह को सही से काम करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल एक्ट लाइक वॉकिंग. और उदाहरण के लिए एक साधारण सा सी बात, जब हम चाल को चलते हैं, व्हाट डू वी यूज फॉर वॉकिंग? हम चलने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? द लेग्स, पैरों को. बट आर द लेग्स आर द ओनली वन हु नीड्स? लेकिन क्या सिर्फ हम सिर्फ पैरों को ही इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए? नो, नहीं. एज यू वॉक, जब आप चलते हैं, योर हैंड्स हैव टू वर्क इन कोऑपरेशन विद द लेग. आपके हाथ को भी उसी प्रकार कार्य करना है चलने के लिए. योर आईज हैव टू वर्क. आपके आंखों को भी चलना है. योर ईयर्स हैव टू वर्क. आपके कान भी काम करना चाहिए. योर ब्रेन हैज टू वर्क. आपका दिमाग जो है वो भी चलना चाहिए. एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर के हर एक अंग को सही कार्य करना है. कोऑपरेट विद द लेग इन ऑर्डर फॉर यू टू वॉक सेफ. पैरों के साथ काम करना है आपको सही चाल को चलने के लिए. इवन द मूवमेंट ऑफ योर हैंड, और आपके हाथ भी जिस प्रकार चलते हैं. हाउ डू यू वॉक? आप कैसे चलते हैं? यू डोंट वॉक लाइक दिस, डू यू? इफ यू सी समबडी वॉकिंग दैट वे, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस फेलो? अगर आप किसी को ऐसे चलते हुए देखेंगे, आप कहेंगे इससे क्या समस्या है? बट हाउ डू यू वॉक? लेकिन आप कैसे चलते हैं? नीदर डू यू वॉक लाइक दिस, और ना आप ऐसे चलते हैं. व्हाट्स रॉन्ग विद दिस फेलो? वॉक द होल बॉडी, पूरा शरीर जो है काम करना है. यू वॉक लाइक दिस, दैट इज नॉर्मल. सी इवन दैट सिंपल एक्ट ऑफ वॉकिंग, और एक साधारण सी चीज जब हम चलते हैं. एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी टू एक्सप्लेन द चर्च इज यूज टू शो द यूनिटी. सो इसी कारण से देह को इस्तेमाल किया गया है इस बात को समझाने के लिए कि यीशु मसीह और कलीसिया के बीच में क्या एकता होना चाहिए. Apostle Paul says, और इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है, every part of the body belongs to the other.
और देह में हर एक अंग जो है वो दूसरे का है. Because I am not the I cannot say I am not the hand, so I don't belong to hand. और आँख ये नहीं कह सकता है कि मैं हाथ का नहीं हूँ इसलिए हाथ का कोई काम नहीं है मेरा. We cannot say that. हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं. I want you to understand. इस बात को समझ ले. That is unity in the body of Christ. यही एकता है प्रभु यीशु मसीह के देह में. And anyone who tries to bring disunity and dissension is sinning against the body of Jesus Christ. और जो कोई भी इस देह में एक गड़बड़ी को पैदा करता है वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति पाप करता है. That is why everyone is important to be in the church when the church come together. और इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब सब लोग कलीसिया में आते हैं सब एक हो जाए. We are going to have an all night prayer on 7th June. 7 जून को हम पूरे रात्रि का एक प्रार्थना करने जा रहे हैं. 7th June is a Friday. 7 जून एक शुक्रवार का दिन है. Okay, that Friday night 10:00 we begin our But उस शुक्रवार के रात को 10 बजे हम इस प्रार्थना को शुरू करेंगे. हम सुबह 4 बजे तक हम प्रार्थना करेंगे. And then 4:00 we'll go for a और फिर 4 बजे हम रोड पर हम ड्राइव करके जाएंगे प्रार्थना के लिए. Prayer ride. I expect the entire church to be present. और मैं आशा रख रहा हूं कि पूरा कलीसिया आप सब लोग इसमें हिस्सा लेंगे. So my brothers and sisters, please listen on the 7th night, which is a Friday of June. Everyone, because no member of the church or no believer can be absent, because if you are absent, the body is imperfect. और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर एक विश्वासी, हर एक सदस्य आप जरूर आए 7 जून शुक्रवार के रात को. और अगर आप नहीं आएंगे तो पूरा देह जो है वो संपूर्ण नहीं होगा. यू कैनॉट से आप ये नहीं कह सकते हैं अरे एवरीबॉडी इज गोइंग अरे सब लोग जा रहे हैं. इफ आई डोंट गो अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इफ एवरीबॉडी थिंक्स लाइक दैट अगर सब लोग ऐसे ही सोचेंगे ओनली द पास्टर्स विल बी देयर सिर्फ पासवान यहां पर होंगे. डोंट थिंक दैट वे आप इस प्रकार कभी ना सोचें. I may not be able to sing. हो सकता है मैं गीतों को ना गा पाऊं. I may not be able to play. हो सकता है मैं बाजा को ऐसे ना बजा पाऊं. Nevertheless, I am a part of the body. लेकिन फिर भी हम उस देह के एक हिस्सा हैं. So I have to fill my place. So मुझे अपने स्थान को पूरा करना है. It is just to sit there and encourage others. और सिर्फ अगर आप वहां पर बैठकर दूसरे लोगों का आप उत्साहित करते हैं. You sing with the rest. आप सब लोग के साथ मिलकर गीतों को गाते हैं. You worship with the rest. और सब लोग के साथ मिलकर आराधना करते हैं. You pray with the rest. दूसरों के साथ मिलकर आप प्रार्थना करते हैं. You believe with the rest. दूसरों के साथ मिलकर आप विश्वास करते हैं. That is how the church's ministry become powerful. ऐसे ही कलीसिया की सेवकाई और भी सामर्थी हो जाता है. That is how we become effective. और ऐसे ही हम असरदार बन जाते हैं. So no believer should miss that kind of event. So कोई भी विश्वासी जो है इस मौके को खोए ना. आप घर में ना बैठे. Are you a part of this body or not? क्या आप इस देह के हिस्सा है या नहीं? When you go somewhere, जब आप कहीं पर जाते हैं. Well, where I am going, my hand is not needed actually. You know, I keep my body at home. And would you go do that? और आप कहेंगे कि जहां मैं जा रहा हूं वहां हाथ की जरूरत नहीं है. मैं हाथ को घर में छोड़ के जाता हूं. And if you think that your presence is not important, और अगर आप सोचते हैं कि आपकी उपस्थिति यहां महत्व नहीं रखता है. That means you don't consider yourself as a part of the body. इसका मतलब यही है कि आप इस देह के हिस्सा आप अपने आप को समझते नहीं हैं. And the body cannot be perfect. और शरीर जो है फिर पूर्ण नहीं हो सकता. These are the teachings given in the 1 Corinthians chapters 12, 13 and 14. यही वो शिक्षाएं हैं जो पहले कुरिन्थियों उसका 12, 13 और 14 में लिखे हैं. My brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, many of you are suffering. आप में से बहुत लोग दुख उठा रहे and हैं. Then you blame God. और फिर आप परमेश्वर को दोष देते हैं. What is this God? कि ये परमेश्वर क्या है? He said, ask and you shall receive. वो कहता है कि मांगो मैं तुझे दूंगा. I have been asking, but I am not receiving. मैं मांगते जा रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा है. My business is not successful. मेरा व्यवसाय सफल नहीं हो रहा है. I am still struggling. मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ. You will always suffer. हम हमेशा संघर्ष
स्पर्श करते रहेंगे यू आर नॉट एक्टिंग एज अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग के तरह आप अपने कार्य को नहीं कर रहे हैं डोंट डू दैट आप ऐसा ना करें गॉड हैज अ ग्रेट things for you parmeshwar ke paas ek badi yojana hai aapke liye I will continue this study next sunday is adhyayan ko agle ravivar ko hum jari rakhenge we have a bible study next communion next sunday agle ravivar ko prabhu bhoj hoga but whatever time I will get I will complete this second lekin jo kuch bhi samay mujhe milega main isko pura karunga the person of christ yeshu masi ka vyaktitva the purpose of christ yeshu masi ka uddesh what is the purpose of christ yeshu masi ka uddesh kya hai that he comes and he will build a church ki yeshu masi aayenge apne kalisya ko banayega and the church is going to be his mystical body to represent him in this world aur ye kalisya jo hai वो प्रभु यीशु मसीह का देह होगा इस संसार में उसको प्रतिनिधित्व करने के लिए व्हाट इज द पावर ऑफ द बॉडी ये शरीर का ताकत क्या है यू नो हाउ पावरफुल इट इज आप जानते हैं ये कितना सामर्थ्य है दैट वुमन हु वाज सफरिंग फॉर 12 इयर्स वो स्त्री जो 12 वर्ष से दुख उठा रही थी शी हर्ड जीसस वाज पासिंग बाय और उस स्त्री ने सुना कि यीशु मसीह वहां से गुजर रहे हैं 12 years, this woman was losing blood. 12 वर्षों से ये स्त्री जो है अपने लहू को खो रही थी you know, life is in the blood. आप जानते हैं जीवन जो है वो लहू में for है her to lose, keep on losing life for 12 years. और 12 वर्षों तक ऐसे लगातार लहू को बहना she hardly could walk. वो चल भी नहीं पाती थी she dragged herself. अपने आप को बहुत मुश्किल से चलाकर came behind Jesus. यीशु मसीह उस भीड़ के पास आए एंड शी टच्ड द हम ऑफ जीसस बॉडी और किसी तरह यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छुआ इमीडिएटली और अचानक Jesus didn't see. यीशु मसीह ने देखा but नहीं. Immediately. लेकिन अचानक. Jesus knew that somebody touched him. यीशु मसीह इस बात को महसूस किए कि किसी ने उसको छुआ. How did he know? यीशु मसीह कैसे जानने पाए? Because this woman touched. His garment. क्योंकि इस स्त्री ने सिर्फ यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ था with a purpose, एक उद्देश्य के with साथ an intention. और एक उद्देश्य के साथ What was her intention? और वो उद्देश्य क्या था You remember? आप जानते हैं She spoke to herself. उस स्त्री ने अपने आप से कहा Sometimes it is good for you to speak to yourself. और कभी कभी ये बेहतर है कि आप अपने आप से बोले And you speak the word of faith. और विश्वास के वचन को अपने आप से बोले She spoke to herself. उस स्त्री ने अपने आप से कहा And she said, और कहा Listen, she may be speaking to her body. और हो सकता है अपने शरीर से वो बोल रही हो यू हैव बीन सफरिंग फॉर 12 इयर्स कि तुमने 12 वर्षों तक बहुत दुख उठाया यू आर लूजिंग योर लाइफ और तुम अपने जीवन को खो रहे हो एंड शी सेड और उस स्त्री ने कहा इफ आई कुड ओनली टच द हम ऑफ जीसस अगर सिर्फ मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छूने पाऊं आई विल बी हील्ड तो मैं चंगी हो जाऊंगी आई विल बी हील्ड मैं चंगी हो जाऊंगी शी डिड नॉट से आई मे ही बी हील्ड और स्त्री ने ऐसे नहीं कहा कि हो सकता है मैं चंगी हो जाऊं आई कैन बी हील्ड और मैं चंगी हो सकती हूं नो नो नॉट सच काइंड ऑफ डाउटिंग एक्सप्रेशन और ऐसे एक शक करने वाले जो वचन है लेट मी ट्राई कि मैं कोशिश करती no, हूं नहीं she was very certain in herself. वो स्त्री जो है बहुत निश्चित थी But I must touch. कि मुझे छूना है Do you have such kind of faith this morning? क्या आज की सुबह इस प्रकार का विश्वास है आपके so अंदर sometimes it is good, my sisters, my brothers, to speak to yourself. So मेरे भाई और बहनों कभी कभी ये अच्छा है कि आप अपने आप से बोले no, the psalmist David would speak to himself very often. क्योंकि अक्सर राजा दाऊद जो है भजन लिखने वाला दाऊद अपने आप से बोलता था Once he said, एक बार उसने Bless कहा the Lord, oh my soul, कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो और me. जो कुछ भी मुझ में है Bless his holy name. उसके नाम को धन्य कहो Another time he spoke to himself. और एक बार और दाऊद ने कहा Why are you so cast out? कि तुम इतने व्याकुल क्यों हो Because he was feeling so down. क्योंकि वो बहुत निराश हो गया There था may be someone who is feeling so down even this morning. अगर आज की सुबह कोई ऐसा है जो बहुत निराश है David is encouraging you. दाऊद जो है आपको उत्साहित करता है so speak to yourself. अपने आप से कहें Never speak to yourself negative things. और अपने आप से कोई नकारात्मक बात ना कहें God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं faith in Jesus, he is going to listen to you.
और आप विश्वास करें कि यीशु मसीह आपके बात को सुनेगा. David said, दाऊद ने कहा, speaking to himself, अपने आप से बोल रहा है, oh my soul, हे मेरे मन, why have you cast down? तुम क्यों निराश हो? Why are you so disturbed? तुम क्यों व्याकुल हो? Trust in God, यहोवा पर भरोसा करो. Hope in God, यहोवा पर भरोसा रखो. Hallelujah, Hallelujah. That's what David said, और यही बात दाऊद ने कहा, Trust in God, यहोवा पर भरोसा रखो. Hope in God. यहोवा पर आशा रखो. He will lift you up. यहोवा आपको उठाएगा. Hallelujah. Hallelujah. He will bless you. यहोवा आपको आशीष देगा. And that woman touched the hem of Jesus. और उस स्त्री ने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ. Who remember what Jesus said? और किसको याद है यीशु ने क्या कहा? First he asked the question, who touched me? सबसे पहले यीशु ने पूछा, मुझे किसने छुआ? Apparently nobody, even his disciples did not see that somebody was touching. क्योंकि उसके चेलों ने भी नहीं देखा कि कौन यीशु को छू रहा है. एंड पीटर एंड अदर अपोस्टल सेड, और पत्रस और दूसरे चेलों ने कहा, जीसस व्हाट क्वेश्चन आर यू, अरे यीशु आप ये क्या सवाल कर रहे हो? लुक एट द क्राउड, आप बड़े भीड़ को देखें. क्राउड इज प्रेसिंग यू ऑल, और सारा भीड़ जो है चारों ओर आपके दबे जा रहे हैं. फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम द राइट, आगे से, पीछे से, दाएं और बाएं से, हर जगह से. एनीबॉडी कैन टच यू, और कोई भी आपको छू सकता है. Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, not anybody, कोई भी नहीं. There was someone purposely touched me. कोई ऐसा है जिन्होंने एक बहुत मकसद से, एक उद्देश्य से मुझे छुआ है. Thousands of people, हजारों लोग थे. One unknown woman, एक ऐसे स्त्री, came from behind, और पीछे से आई, with a trembling hand, और कांपते हुए हाथों से, touched, यीशु के वस्त्र को छुआ. And Jesus recognized, और यीशु मसीह ने पहचान लिया कि किसी ने छुआ that particular touch. और उस विशेष एक स्पर्श को. How did he know? यीशु कैसे जानने पाया? You remember what he says? आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? Yes, sister. How did Jesus know somebody touched him with a purpose? और यीशु मसीह कैसे जानने पाए कि किसी ने बड़े उद्देश्य के साथ उसे स्पर्श किया है? So he told the disciples. So यीशु मसीह ने चेलों से कहा, No. Not anybody. नहीं, कोई भी नहीं. There is a particular person. एक विशेष कोई व्यक्ति है. Touched me with a particular purpose. जिन्होंने एक बड़े उद्देश्य के साथ मुझे छुआ है. I know it. और मैं जानता हूँ. I experience it. मैंने उसको अनुभव किया है. Because power went out of my body. क्योंकि मेरे देह से सामर्थ निकल गया है. Hallelujah. 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 If you have the faith this morning, क्या आज की सुबह आपके पास ये विश्वास है? Speak to yourself. अपने आप से कहो. Oh my soul. हे मेरे मन. Why are you cast down? तुम क्यों व्याकुल हो? Trust in God. परमेश्वर पर भरोसा रखो. Hope in God. परमेश्वर पर आशा रखो. He will yet revive you and bless you. परमेश्वर आपको जागृत करेगा, आपको आशीष देगा. Amen. Amen. Let us all stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं. You want to touch Jesus? क्या आप यीशु मसीह को स्पर्श करना चाहते हैं? Touch him with a purpose. एक उद्देश्य के साथ. The church is the body of Christ. कलीसिया जो है यीशु का देह है. The church, the world must know. Hallelujah. The power that is in the church of Jesus. ये संसार जानने पाए कि यीशु मसीह के कलीसिया में एक सामर्थ मौजूद है. That is the power that must be displayed here. और यही वो सामर्थ है जिसको दिखना है. Casting out demons. दुष्ट आत्मा को बाहर निकालना. Raising the dead. और मुर्दों को जी उठाना. Touching the paralytic. और कोड़ियों को छूना. Making the cripple to walk again. और जो लंगड़े हैं उनको फिर से चलाना. For the blind to see. या अंधों को फिर देखने पाए. और जो बेरे हैं वो सुनने पाए. These are the things that must happen in the church. और यही वो चमत्कार है जो कलीसिया में होना है. Why? Church being the body of Christ, it contains the power of the Lord Jesus. क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह का देह है, इस देह में वो सामर्थ है जो यीशु मसीह का है. The resurrection power. वो पुनरुत्थान का सामर्थ. The resurrection power. वो पुनरुत्थान का सामर्थ. To raise the dead. उस मुर्दों को फिर से जी उठाना. To cleanse the lepers. और कोढ़ियों को शुद्ध करना. Makes the lame to walk again. लंगड़ों को फिर से चलाना. Raise the paralytic.
और जो लंगड़े हैं उसको ठीक करना हालेलुया हालेलुया दैट इज द पावर दैट इज इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट यही वो सामर्थ है जो यीशु मसीह के देह में पाया जाता है द चर्च इज हिज बॉडी कलीसिया यीशु मसीह का देह है लाइफ स्प्रिंग असेंबली ऑफ गॉड और लाइफ स्प्रिंग असेंबली ऑफ गॉड चर्च वी कंसीडर आवरसेल्व्स टू बी द चर्च ऑफ जीसस हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया हम मानते हैं देन नो दिस और हम जानने पाए He has the body of Christ, हम जो यीशु मसीह के देह हैं must be ready and prepared any time to allow the power of the resurrection of Jesus to flow और हमें किसी भी समय तैयार रहना चाहिए ताकि यीशु मसीह का वो सामर्थ बहने पाए That is the purpose of the church यही कलीसिया का उद्देश्य है This is the church that Jesus is building यही वो कलीसिया है जो यीशु मसीह निर्माण कर रहे हैं He is not building a weak lifeless limping church और यीशु मसीह कोई कमजोर और बिना जीवन का लंगड़ाते हुए कोई कलीसिया को नहीं बना रहे हैं He is building the church that is powerful enough to make the limping to jump and run and shout और यीशु मसीह एक ऐसे कलीसिया को बना रहे हैं जो सामर्थ से भरे ताकि लंगड़ों को वो चलाने पाए और चमत्कार करने पाए For the deaf to hear ताकि बहरे सुनने पाए The dumb to speak and जो गूंगे हैं वो बोलने पाए परमेश्वर की सुधि करने पाए to see. और जो अंधे हैं वो देखने पाए हालेलुया हालेलुया These are not happening regularly in this church. और ये सारे चमत्कार बहुत जल्दी हम देखते नहीं हैं. What is wrong? क्या कहाँ पर समस्या है? Who is wrong? कौन गलत है? The pastor? पासवान. It is the body. ये देह है. All of us. हम सब मिलकर. All of us. हम सब मिलकर. This is my burden. यही मेरा बोझ है. This is my vision. यही मेरा दर्शन है. This church be so powerful. ये कलीसिया इतना सामर्थी हो जाए. That even a sick person come and sit before while we are worshiping, healing must happen. कि कोई भी बीमार व्यक्ति यहाँ आकर बैठे और जबकि कलीसिया आराधना ही कर रहे हैं उनको चंगाई प्राप्त हो. Healing must happen. चंगाई होना चाहिए. And the poor believers must be filled. With the Holy Spirit, और सारे विश्वासी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए. They will burst out in praising and worshiping God. और आवाज उठाकर परमेश्वर की स्तुति और गीतों को गाने पाए. Hallelujah. Hallelujah. Lift up our hands. आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं. Don't look at each other, but you look to God. एक दूसरे को ना देखें, लेकिन प्रभु की ओर आप देखें. And now raise your voices. और अपने आवाज को उठाएं. Worship the Lord. परमेश्वर की स्तुति करें. Worship Jesus. यीशु की स्तुति करें. Worship Jesus. यीशु की आराधना करें. Open your mouth. अपने मुंह को खोलें. Open your mouth. अपने मुंह को खोलें. Worship God. परमेश्वर की आराधना करें. Praise Him. उसकी स्तुति करें. Rejoice in Him. उसमें आनंदित हो. You will be healed. आप चंगे हो जाएंगे. You will be filled with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे. Hallelujah. 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 Everyone, हर एक व्यक्ति from the front to the back, आगे से लेके पीछे तक, those of you are sitting there, आप में से जितने लोग बैठे हैं, everybody join together, हर एक व्यक्ति अपने आवाज को उठाएं, let us fill this sanctuary with the high praises of God, इस भवन को ऊंचे स्वर से हम भरने पाए, praise God, hallelujah, hallelujah, pray Lord fill me with the Holy Spirit, कहे पवित्र आत्मा अपने हमें भर दे Worship him, praise him.